बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं यहाँ हाज़र इसलिए नहीं हुआ कि मैं कोई बड़ी गुफ्तगू करूँ, खिताब करूँ। मैं फ़कीरों दरवेशों के दरवाज़े पे आया हूँ खैर के लिए, भलाई के लिए, अपने बख्तों को संवारने के लिए। तो 3 दिन पहले मोटरवे के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे मालिक ने मुझे महफूज रखा। मैं हाज़र नहीं हो सकता था अपने डॉक्टरों की, अपने फिजिशियन की एडवाइस के मुताबिक, लेकिन मुझे बड़े हज़रत साहब के रुख्सत होने के बाद, हज़रत क़िबला बदर आलम कि मैंने कहा कि मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं जाकर इनकी हौसला अफजाई भी करूं और जाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करूं। इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह करीम इस आस्थाने को आबाद शाद रखे, इसे और तरक्की अता फरमाए। हजरात जो मेरे बाद उलमा तशरीफ़ लाएंगे वो गुफ्तगू करेंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हैं। मैं सिर्फ एक दुआ अर्ज करता हूँ, उसी को संभाल लें तो मेरे ख्याल में आज का वे ही काफ़ी होगा। मैंने किसी जगह ये पढ़ा था कि एक बुज़ुर्ग अपने रब की बारगाह में ये अर्ज कर रहे थे, मेरे परवरदिगार, मैं गुनाहों का मारा हुआ हूँ, मैं खताओं का मारा हुआ हूँ, मैं गलतियों से मेरे दामन भरे हुए हैं, मैंने जान बूझ के भी गलतियाँ की हैं और भूल चूक के भी खताएँ मुझसे हुई हैं। मेरे परवरदिगार खलकतनी मज्जानन, मेरे रब तूने जब मुझे पैदा किया ना, मेरे माँ बाप से तूने कोई वसूली नहीं की कि तुम्हारे घर में मैं एक बेटा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में बेटी भेज रहा हूँ, उसकी इतनी कीमत और इतना उसका हिस्सा बनता है, वो अपने रब की बारगाह में पेश करो। तो वो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार खलकतनी मज्जानन, मेरे मालिक तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, मुफ्त में भेजा, कोई कीमत वसूल नहीं किए। व रज़क़तनी मज्जानन, और फिर जब मैंने इस दुनिया में जो तूने हुक्म किया, जो तूने मुकद्दर किया, जो तूने मेरे लिए तय किया, वो दिन भी मैंने गुजारे, वो रातें भी मैंने गुजारी। व रज़क़तनी, उन रातों में और उन दिनों में तूने मुझसे कोई तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो बंदा अपनी रब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा था, खलकतनी मज्जानन, मेरे मालिक तूने मुझे तख्लीक किया मुफ्त में, तूने रज़क़तनी मज्जानन, तूने इस दुनिया में मुझे पैदा किया और मुझे रिज़्क दिया, मुफ्त दिया, कोई कीमत वसूल नहीं की। फ़ग़फ़िरली मज्जानन, ऐ मेरे मालिक मैं अर्ज करता हूँ मुझे अपना सदका, अपने नबी का सदका मुफ्त में माफ़ भी कर दे। बे अन्ना का मालिकुन वला ताजिरुन, तू मेरा मालिक है, तू तिजारत नहीं करता। आज की यही दुआ है, मालिक मुफ्त में पैदा किया, मुफ्त में रिज्क दिया, जिंदगी दी, आज मुफ्त में माफ भी कर दे। परवरदिगार तू मालिक है, तू ताजर नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह इन लम्हों के सदके हमारी जिंदगियों में खैर का गुजारा हो, खैर का आमद हो, सलामती हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें जिस चीज़ की तरफ रागब किया, हमने ये अपनी इस जिंदगी में देखा कि खैर अल्लाह के दर से ही मिलती है, खैर उस मालिक के करम से ही नसीब होती है। अल्लाह करीम हमें हमारी इन जिंदगियों में खैर के रास्तों को आसान फरमाए। मैं दुआ करूँ अल्लाह करीम हज़रत क़िबला साहबज़ादा बदर आलम साहब को इनके लिए आने वाले वक्त खैर के वक्त दो,
بھلائی کے وقت ہو، عزتوں کے وقت ہو۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔